First of all, I would like to congratulate sir for resolving a very critical issue of China. Sir, we would like to know how that whole situation was, because in 2022 it was different, and this recent dialogues have changed the dynamics with India and China. How do you see that, sir? How that's going to work? देखिए विशाल जी, लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. वैसे सब लोग परिचित तो हैं, पर आपको याद होगा कि 2020 में जो बॉर्डर एरिया में जो पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है, जो शांति और स्थिरता जो हम लोगों ने बना रखी थी, वो डिस्टर्ब हो गया, और वो डिस्टर्ब हुआ चाइना के कारण. अब उसके बाद जो गलवान घाटी में वो घटना भी सब लोग परिचित हैं. तो हमारी जो नेगोशिएशन जो है उस साल शुरू हुई, और इसके मैं कहूँगा अलग अलग तीन भाग हैं. एक तो है जिसको हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं. डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि बॉर्डर में बहुत सारी ऐसी जगह थी वेर आवर फोर्सेस हैड कम वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर. और नॉर्मली बॉर्डर में ये आप करते नहीं है, एक डिस्टेंस रखते सो दैट इट इज सेफ, कोई गलती से कुछ हो ना जाए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आई वुड से फर्स्ट प्रायोरिटी यू कैन से, कि ये दिस क्लोज अप सिचुएशन, इसको आप रिजॉल्व करें. जिसके भी दो भाग थे. एक कि जो ट्रूप्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल बेसिस में जाएं और आपस में थोड़ा डिस्टेंस रखें, और दूसरा कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पेट्रोलिंग में चाइनीज जो हैं हमको ब्लॉक करते थे, और हम भी उसका जवाब देते थे. तो वो हमें ब्लॉक करते थे, कहीं कहीं हम भी उनको करते थे. तो ये एक भाग था. दूसरा जो है था कि क्योंकि वो बड़ी मात्रा में आए उनकी सेना, हम लोग भी बहुत काउंटर डिप्लॉय हम लोगों ने किया कि हमारे ट्रूप्स भी काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ. तो और खाली ट्रूप्स नहीं गए, हथियार के साथ गए. तो देर इज़ अ जो इसको हम जो है डी एस्केलेशन कहते हैं, कि पहला है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखो और पेट्रोलिंग करो, और दूसरा कि जो सेना की संख्या जो है, हाउ डू यू ब्रिंग इट डाउन. एंड थर्ड इज बॉर्डर की मैनेजमेंट करो, ताकि जो पहले की परंपरा जो थी, पहले की मैनेजमेंट जो थी, उसको कहीं अपडेट करना तो करें, बट उसको कीप इट स्टेबल. अब जो 21 अक्टूबर को जो समझौता, जो नई जो सहमति जो बनी थी, ये सहमति इस विषय पे बनी कि दो जगह थे, देपसांग और देमचोक, जहां हम 2020 के बाद पेट्रोलिंग में हम एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे थे और इसमें प्रॉब्लम हो रही थी. तो ये सहमति बनी कि अब जो बाधाएं जो हैं पेट्रोलिंग पर वो निकाले जाएगी, एंड पीपल विल द ट्रूप्स विल बी एबल टू डू द पेट्रोलिंग जो 2020 के पहले जो कर रहे थे. नाउ दिस वॉज द आई वुड से द लास्ट पार्ट ऑफ द डिसएंगेजमेंट, बिकॉज इसके पहले तीन चार पहले अग्रीमेंट्स हो चुकी थी by which the troops had gone back to their bases, and where there were situation jahan tension bahut zyada tha, there was an agreement ki bhai ye jagah jo hai aap bhi patrol nahi karoge, hum bhi nahi karenge. So there were places where they used to come before, they stopped coming. There were places we used to go and we stopped going, and this was kind of a limited type understanding. So the big change, or I would say the not big change, the latest step would be this 21st October understanding ki Depsang or Demchok mein patrolling hogi, and this will allow us now to look at the next step. So it is not like everything has been resolved, but the disengagement, which is the first phase. To ye pehla charan jo hai isme we have now managed to reach that level. So जब प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स के लिए गए थे तो उनकी मुलाकात औपचारिक स्तर पर मुलाकात हुई, क्योंकि वो 5 साल से प्रेसिडेंट शी के साथ नहीं हुई. वो अलग अलग कभी मीटिंग में होते थे, पर कभी फॉर्मली कभी बैठक नहीं हुई थी. और उसमें यह तय हुआ कि
जो हमारे NSA जो हैं और विदेश मंत्री जो हैं वो चाइनीज काउंटर पार्ट से मिलेंगे और आगे की बात करें। तो अभी हमें इसका इंतजार करना है कि जो भी सहमति बनी है वो ग्राउंड में इट विल यू विल रीड अबाउट इट न्यूज़पेपर में तो जरूर निकलेगा, आजकल खबर मिलती है थ्रू वेरियस मींस। सो आई थिंक इट वी शुड तो सर इससे इंडिया चाइना ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, ट्रेड विल बी सी आई वुड से राइट नाउ द फोकस अभी बाउंड्री पर है एंड इवन इन बाउंड्री यू नो देर आर टू थिंग्स विच पीपल शुड रियलाइज। ये अपने आप नहीं हुआ, इट टुक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, बट इट टुक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन बिकॉज देयर वाज अ वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमिटमेंट कि यू नो टू फॉर आवर मिलिट्री इन दिस नंबर टू स्टे फॉर इन दैट वो टेम्परेचर आप देखिए हाइट देखिए तो वहाँ डिप्लॉय होना दैट वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। एंड सेकेंडली जो परिवर्तन जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में आया कि अगर आप देखेंगे पहले की तुलना से, अगर मैं 2012-13 की बात करूँ उसकी तुलना से अभी हमारी चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है करीब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है। तो आप देखते होंगे कि हर हफ्ते या हर महीने कहीं ना कभी खबर आती है कुछ टनल खुला है, कुछ नया रोड है कुछ। सो दिस इनेबल्ड अस टू सप्लाई द ट्रूप्स एंड अलाउड द ट्रूप्स टू बी देयर। सो इट वाज एक्चुअली आई वुड से यू नो इट इज़ अ कंबाइंड एक किस्म से मैं कहूँगा ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच कि द हाईवे पीपल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने अपना योगदान दिया, मिलिट्री वॉज देयर इट वॉज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग, डिप्लोमेसी मिलिट्री साथ साथ काम कर रहे थे, नेगोशिएशन में भी हम लोग अपना कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स की अपनी मीटिंग होती थी। सो इट वॉज अ वेरी कंबाइंड टीम एफर्ट। जो आपकी बात जो है कि आगे आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, जी इट इज़ अ इशू हियर बिकॉज आई बी वेरी मुझे पता है कि आप बिजनेस की दुनिया से आते हैं बट एंड आई ऑल्सो ब्रीफली हैड सम कॉरपोरेट एक्सपीरियंस। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए चाइना मे बी टुडे अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरर, सो मेनी बिजनेस पीपल टर्न टू चाइना नेचुरली सेइंग भाई वो कंपोनेंट प्रोसेस मटेरियल जो भी है वहाँ से लाना चाहिए। बट समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव टू बिल्ड आवरसेल्व्स लॉन्ग टर्म वी हैव टू डेवलप दोज कैपेसिटीज। वी कैन नेवर यू नो वी कैन नॉट बिकम टॉप लेवल बाय रिलाइंग ऑन समबडी एल्स ऑल द टाइम फॉर टू हैव आवर ओन, सो वी हैव टू हैव आवर ओन सप्लाई चेन। सेकेंडली आई थिंक एंड आई से दिस देर आर अदर पीपल फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, देखिए बिजनेस की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयमेंट होती। वी हैव टू ऑल्सो सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, वी हैव टू सपोर्ट द पीपल इन इंडिया हु आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट हु विल ओनली गेट इट इफ देर इज अ सप्लाई चेन विद इन इंडिया। तो जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये आप इसको नारा नहीं मानिए, आत्मनिर्भरता एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, आत्मनिर्भरता जो है स्मॉल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट की सपोर्ट है, आत्मनिर्भरता जो है राष्ट्र सुरक्षा भी कि अगर आपकी आत्मनिर्भरता बहुत कमजोर हो जाएगी तो फिर आपकी सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ रही है। सो वी हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड दैट दिस इज अ आई वुड से अ टोटल पैकेज। यस यस सर, चाइना की बात कर रहे तो एक चाइना रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। हमने बॉर्डर का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने की इनिशिएट की है, लेकिन जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो अक्रॉस द पैसिफिक एंड द ओशन साइड है, उसका इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या इंडिया शुड वरी अबाउट इट, या उसका कोई मैकेनिज्म है जो कुछ सोचा हुआ है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री? इसी विशाल जी, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सो आप बिजनेस में अगर आपका कॉम्पिटिटर आपके बगल में कुछ कर रहा हो, विल यू नॉट पे अटेंशन? वी हैव टू, यू हैव टू पे अटेंशन। यस यस, यू विल से मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, यू विल से मेरा मार्केट शेयर क्या होगा? होगा, सही होगा ना? सही बात है। सो लुक एट इट पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली फॉर अस टू
to see these kinds of development, of course we have to take it seriously. But unfortunately, jab ye ho raha tha, people did not. And frankly, we are paying the price of it. Us time jo hai, main 2007-8 ki baat kar raha hoon. When this started, people actually at that time said, nahin, ye sab, you know, we are friends with everybody, we can live with everything. So we did not take it with the way, you know, respond the way we have to. So here is my point. See, that era where there was actually, and main sach kahun, it was done for ideological reasons. True. Bhai, hame dusron ka mukabla, khas kar, you know, where China was concerned. The view of China was very different in the leading, in the political circles of the government. So today, I would say, when I say that we should compete in global workplace, I also feel India can compete in the neighborhood. हमने वो क्षमता है, हमें वो कॉम्पिटिटिवनेस है, हमने दिखाया है दैट इवन इन आवर नेबरहुड टुडे, इफ यू लुक कि अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें, अगर आप ट्रेड देखें, इवन कंट्रीज जहां शुरुआत में कोई पॉलिटिक्स में कुछ वॉलेटिलिटी होती है, अल्टीमेटली दे रिकॉग्नाइज दैट लुक दिस इज आवर बिगेस्ट नेबर, दिस इज अ कंट्री विथ होम देर इज सो मच गोइंग. So they come and deal with you. But they will deal with you only if you have that resolve and that planning. And you have that relationship at a very basic level, right, with them. So where our neighborhood is concerned, aapne string of pearls ke bare mein kaha, I would say all over our neighborhood, we have to be ready to compete. Hum kisi se kam nahi hai. Same. You know, we have that ability. And I feel wherever we have tried to do that, we have been successful. Sir, as an entrepreneur and a businessman, I would like to say this, that we always had a capability, but under Modiji's leadership and your work, we have got courage also to perform globally. Thank you so much for that, sir.